हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद यू ऑल अगेन अदिति हियर। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद एक लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपका काफ़ी सारे डाउट क्लियर करूँगी कि वंस यू गेट सिलेक्टेड उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, क्या होता है एक्चुअली ट्रेनिंग में, क्या होता है, तो वो मैं आपको ब्रीफ में इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो जब आप लोग सिलेक्ट हो जाते हो, आप लोगों का फर्स्ट स्टेज होता है, आपको मतलब बेस बताते हैं, आपको कॉल आता है एचआर से कि आपको कौन सा बेस चाहिए। कभी कभार प्रेफरेंस पूछते हैं, कभी कभार उनके पास नहीं होता अवेलेबिलिटी, तो वो आपको खुद ही बता देते हैं कि यू आर बॉम्बे बेस, यू आर दिल्ली बेस। सबसे पहले आपको एचआर का कॉल आता है बेसिकली जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, देन आपकी ज्वाइनिंग डेट बताते हैं, फ्लाइट के टिकट्स एंड ऑल सब कुछ वो बुक कर देते हैं, 15 डेज़ का एकोमोडेशन मिलता है। आई नो फ्रॉम माई एयरलाइन इंडिगो आपको 15 डेज़ का एकोमोडेशन देता है। तो जब भी आप सिलेक्ट हो जाते हो वो आपको बेसिकली कॉल करेंगे, आपका ज्वाइनिंग डेट वेट का मेल आएगा आपको, एचआर आपको बेस का प्रेफरेंस पूछ सकते हैं या फिर वो आपको डायरेक्ट अपना बेस बता देंगे। सो ये होता है। एंड देन आपका फर्स्ट डे जो होता है दैट इज़ इंडक्शन डे, वो काफ़ी लॉन्ग डे होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आपका पहला दिन इंडक्शन का होगा उसी दिन आपका बैंक डिटेल्स एंड ऑल, आपका बैंक अकाउंट खुलता है जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, तो काफ़ी चीज़ें होती है, वो दिन काफ़ी लंबा होता है। आपको कंपनी के बारे में ब्रीफ किया जाता है, बीइंग अ क्रू आप लोगों की क्या क्या चीज़ें, मतलब बहुत लंबा दिन होता है। समझो आपने दिन की शुरुआत सुबह के 7 बजे से की तो वो ख़त्म होगी रात के 8, 8:30 बजे। काफ़ी कुछ होता है, एक होटल या फिर एक वेन्यू देते हैं वहाँ पे आपका इंडक्शन होता है बेसिकली, तो वो दिन काफ़ी लंबा होता है। एंड देन आफ्टर द नेक्स्ट डे ओनली आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सो ट्रेनिंग में बेसिकली आपके बहुत सारे और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंडक्शन के डे में आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर नहीं है, दे गिव यू टाइम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान आपको वो पासपोर्ट होना ही चाहिए, मतलब आपके पास वो पासपोर्ट आ ही जाना चाहिए क्योंकि ज़रूरी होता है, वरना बहुत दिक्कतें होती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते। एक लड़की रेलीगेट भी हो गई थी जस्ट इंडक्शन के अगले ही दिन, उसको चले जाना पड़ा था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पासपोर्ट का इशू। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपना पासपोर्ट बना कर ही रखो क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है गाइज। एंड फाइनली जब इंडक्शन हो जाता है अगले ही दिन से आपके मॉड्यूल्स शुरू हो जाते हैं, मॉड्यूल्स मतलब सेप मॉड्यूल्स शुरू हो जाते हैं प्रॉपर, जिसे कहते हैं पढ़ाई। फर्स्ट डे आपका ग्रूमिंग वगैरह तो नहीं होता, फर्स्ट डे आपका आपके बैच इंस्ट्रक्टर के नाम बताए जाते हैं, कौन कौन आपका क्या क्या मॉड्यूल लेने वाले हैं ये सब चीज़ें बताई जाती है। तो काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं। सो पहला सेप मतलब पहला होता है हमारा बेसिक इंडॉक, जिसमें हमें एयरक्राफ्ट की बेसिक नॉलेज दी जाती है, काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ती है गाइस, काफ़ी चीज़ें लर्न करनी पड़ती है, आपको अपनी मेमोरी बहुत शार्प करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें की जाती है बेसिक इंडॉक में। बेसिक इंडॉक के बाद एक दिन का ग्रूमिंग होता है जिसमें आपको बताते हैं नाउ यू हैव टू मेक प्रॉपर बन विथ ट्विस्टेज हेयर स्टाइल्स। फिर एक दिन का होता है वैसे तो वो, उसमें आपको बता देते हैं कि आपको मेकअप कैसे यूज़ करना है, व्हाट आर द रिकमेंडेड शेड्स, व्हाट आर द रिकमेंडेड मेकअप लुक्स जो आपको यूज़ करना है रोज़ रेगुलर पे, फॉर्मल्स कैसे पहनना है, सब कुछ आपको वो फर्स्ट डे में बताया जाता है। देन आपका बेसिक इंडॉक हो जाने के बाद आपका फर्स्ट एड होता है। फर्स्ट एड में आपको फर्स्ट एड के नाम से ही आप पता कर सकते हो कि फर्स्ट एड में सारी फर्स्ट एड की नॉलेज पढ़ाई की जाती है। देन एट द हर एक मॉड्यूल के एंड में वाइवा एंड एग्जाम होता ही है जिसमें यू हैव टू स्कोर 90%। दैट इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया टू क्लियर दैट एग्जाम, टू बी वेरी ऑनेस्ट 90% इज़ द मिनिमम मार्क्स टू क्लियर दैट एग्जाम। तो आपको पढ़ना, जैसे मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बोलूँ, अगर आज आपका मॉड्यूल हो रहा है, आज आपको जो भी पढ़ा है उसी दिन वो मॉड्यूल, मतलब जिस दिन वो जो पढ़ा रहे हैं ना उसी दिन वो चीज़ कैचअप कर लिया करो, उसी दिन पढ़ लेना, वरना बाद में आप सोचोगे ना कर लूँगी, नहीं हो पाता। टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है, आपको जो जिस दिन जो पढ़ा रहे हैं उसी दिन वो चीज़ क्लियर कर लो, तो दैट्स मच बेटर। मॉड्यूल्स होते हैं, रेलीगेशन प्रोसेस होते हैं, नहीं पहले मैं आपको मॉड्यूल्स बता देती हूँ एग्जैक्टली क्या क्या होते हैं। देर इज़ फर्स्ट बेसिक इंडॉक, देन देर इज़ फर्स्ट एड, देर इज़ ग्रूमिंग, एंड देन देर इज़ एयरबस मॉड्यूल, देन देर इज़ द लास्ट मॉड्यूल विच इज़ इमरजेंसी मॉड्यूल। उसके बाद फाइनली DGCA और इंडिगो वाला एग्ज़ाम आ जाता है। सबसे पहले इंडिगो एग्ज़ाम होता है जिसमें वाइवा हमें एयरपोर्ट लेके जाते हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर बेसिकली हमसे वाइवा पूछा जाता है, एग्ज़ाम होता है। पहले एग्ज़ाम आपका आई फ्लाई ही नहीं होगा, देन आपको एयरक्राफ्ट में लेके जाएंगे वाइवा के लिए। सो बेसिकली इंडिगो का एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करोगे तो ही आप DGCA के एग्ज़ाम में जा सकते हो, या फिर फेस करना पड़ेगा रेलीगेशन। रेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है गर्ल्स, लाइक
आप अगर रेलीगेट हो रहे हो, आपको तीन चांसेस मिलते हैं अगर वो एग्ज़ाम्स में हो रहे हो, बट बेसिकली अगर वो इंडिगो के एग्ज़ाम में हो रहे हो तो आपको वो बैच छोड़ना पड़ेगा, आपको एक नया बैच अलॉट किया जाता है बेसिकली। तो इसमें बुरा तो लगता है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी रेलीगेट हुई थी, तो सोचो गाइस, बहुत पढ़ना पड़ता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों से क्यों शर्माऊँ, क्यों छुपाऊँ, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो जॉब मिल रही है। मैंने भी काफ़ी ऐसे सोचा था लास्ट में हो जाएगा, बट ट्रस्ट मी, लास्ट में नहीं हो पाता है, आपको टाइम देना पड़ता ही है उस चीज़ के लिए। अगर आज पढ़ाई हो रही है, आज जो भी पढ़ा रहे हैं, गो रिवाइज़ इट अगेन एंड अगेन कि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि वाइवा के टाइम पे यू हैव टू गिव प्रॉपर आंसर्स, क्योंकि ये चीज़ रट्टा मारने वाली बिल्कुल नहीं है। वो जैसा पढ़ा रहे, समझा रहे, उस चीज़ को आपको अपने दिमाग में खुद को समझाना है कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि रट्टा मारने वाली ये चीज़ तो नहीं है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देख लिया। रेलीगेशन प्रोसेस होता है एंड देन कस्टम, हाँ ठीक है, इंडिगो डीजीसी अगर आप क्लियर कर देते हो, फाइनली फिर आता है हमारा लास्ट मॉड्यूल जो होता है कस्टमर सर्विस, जिसमें आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है प्रॉपर ग्रूमिंग। हम लोग इतने एक्साइटेड होते हैं ना, बस इंडिगो डीजीसी चला जाए, फिर हम कस्टमर सर्विस में जाएंगे, यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे, वो 15 डेज़ की ट्रेनिंग में मज़े करेंगे, वो जो फ्लाइट में नूडल्स एंड ऑल देते हैं ना, हम वो सब ट्राई करके देखेंगे कि वो कैसा होता है। सो बेसिकली जब आप इंडिगो डीजीसी क्लियर कर देते हो, तब आप कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग में जाते हो, दैट इज़ फॉर 15 डेज़। उसमें आप लोगों को सब बताया जाता है, कस्टमर सर्विस भी एक पढ़ाई की तरह ही है, बट उसमें आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा करना है, आपको प्रैक्टिस करना है बेसिकली कि हाउ टू टॉक विद द पैसेंजर्स, हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस, जब कोई रिगरस सिचुएशन हो रहा है आप उस टाइम पे पैसेंजर्स को कैसे हैंडल करोगे। सो बेसिकली इट इज़ अबाउट दैट ओनली कि आप पैसेंजर हैंडलिंग सिचुएशंस, कस्टमर सर्विस ये है, सर्व कैसे करना है एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर, जल्दी जल्दी उस चीज़ को प्रिपेयर कैसे करना है, पैसेंजर्स को सर्व कैसे करना है, ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ है एक बहुत ज़रूरी। एंड कस्टमर सर्विस का भी एक एग्ज़ाम होता है, एक MCQ होता है, फिर लास्ट में आपका वाइवा होता है, दैट इज़ वाइवा इन द सेंस दैट वाइवा इज़ लाइक प्रैक्टिकल वाला वाइवा, जहाँ इंस्ट्रक्टर बैठे रहेंगे, वो आपसे सब कुछ हमने कराएंगे, आई नीड दिस दिस दैट, आई नीड अ उपमा विथ कॉफ़ी और टी, वॉट एवर बेवरेज पोर करना, एक एक चीज़ अच्छे से, हाउ टू प्रेजेंट इट, सब कुछ आपको कस्टमर सर्विस में सिखा दिया जाता है। गाइस ट्रेनिंग की तो टेंशन मत लो, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गिव योर 100%, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, आपको रिविजन करना ही पड़ेगा, तभी सब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और फाइनली कस्टमर सर्विस आपका हो जाने के बाद होता है ग्रेजुएशन, जिस चीज़ के लिए हर कोई एक्साइटेड रहता है गाइस, कौन नहीं रहेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतनी एक्साइटेड थी अपनी ग्रेजुएशन को लेके, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरा भी रेलीगेशन हुआ था, आई वॉज लाइक मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं करना है, मेरे को क्यों कर रहे हो यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। अब इतना दोबारा वो कम्युनिकेशन, वो गाइस सो सॉरी, मैंने तो कम्युनिकेशन मॉड्यूल के बारे में बताया ही नहीं। सो बेसिकली आपके, मैं बताती हूँ, वन सेकेंड, बेसिक एंड डॉग, फर्स्ट एड, कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग, एयरबस, इमरजेंसी, एंड देन आफ्टर क्लियरिंग इंडिगो डीजीसी देयर इज कस्टमर सर्विस का मॉड्यूल। सो इस तरह से ये प्रोसीजर काम करता है। आई होप आपको पता चला होगा कि बेसिकली क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या मॉड्यूल्स होता है, क्या क्या आपको कैसे क्लियर करना होता है, ठीक है। एंड गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज़ लीनियरली लेके मत आना कि इंडिगो डीजीसी ऐसे ही है, क्लियर तो हो ही जाता होगा, पढ़ाई करेंगे, इस जस्ट दैट आपको प्रैक्टिकली बहुत कुछ समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके वो क्लियर हो सकता है। एंड ऑब्वियसली आप आ रहे हो, फ्लाइट में जाओगे, और बींग अ क्रू आपको सब चीज़ों की नॉलेज होनी तो चाहिए ही। जैसे अब मेरा रेकरेंट ट्रेनिंग आ रहा है, मुझे दोबारा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा एंड दोबारा एग्जाम वाइवा होने, क्योंकि ये होता है ना, अपने माइंड को रिफ्रेश करना, पढ़ाई को सारा रिफ्रेश करना, कि कहीं हम एक साल के बाद सब कुछ भूल तो नहीं जाते। तो व्हेन यू बिकम अ क्रू, यू क्लियर ऑल द थिंग्स, यू डिड योर ग्रेजुएशन, आप लोग फ्लाइंग स्टार्ट करते हो, देन अगेन आफ्टर 11 मंथ्स आपको उस ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, दैट इज नोन एज रेकरेंट ट्रेनिंग। रेकरेंट ट्रेनिंग में आपको सब कुछ दोबारा से, 5 डेज़ की ट्रेनिंग है, एक दिन में पूरा कस्टमर सर्विस कवर करेंगे, कम्युनिकेशन कवर करेंगे, सेकेंड डे में सारे, जहाँ तक मैंने भी सुना है, मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया, अभी मेरा नेक्स्ट मंथ ही रेकरेंट ट्रेनिंग है। देन आपका CRM भी होता है, DGR भी होता है। CRM इज़ लाइक आप लोगों का मैनेजमेंट, क्रू कम्युनिकेशन कैसा है, कोऑर्डिनेशन कैसा है, दिस इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग ओनली। जे CRM भी होता है हमारा आफ्टर 11 मंथ, जैसे मैंने अभी क्या जॉइंट CRM विथ कैप्टन एंड ऑल, कॉकपिट क्रू और कैबिन क्रू का कम्युनिकेशन, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो ये सब चीज़ें होती है। आई होप मैंने आपका ट्रेनिंग प्रोसीजर्स एंड मॉड्यूल्स को लेकर आपका डाउट हल्का सा क्लियर कर दिया होगा।
तो बेसिकली जब आपका इंडक्शन डे भी होता है उस दिन आपको वो फी अमाउंट जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, जो डीडी होता है, वो आपको उसी दिन सबमिट करना पड़ता है. तो जो होती है आपकी ट्रेनिंग फीस एक्चुअली. एंड देन ट्रेनिंग के टाइम पे फिर आपका फाइनली वो डे आता है जब आप अपने यूनिफॉर्म कलेक्ट करते हो, अपना प्राइड कलेक्ट करते हो, और उसको पहनने की इच्छा किसे नहीं होती गाइस. तो जब आप इंडिगो डीजी से क्लियर कर देते हो कस्टमर सर्विस में, वो यूनिफॉर्म पहनना, वो बैजेस लगाना, अपना नाम बैज पहनना, इट्स सो नाइस राइट. प्राउड वाली फील आती है. तो गाइस सो सॉरी फॉर द नॉइज़ जो पीछे से आ रही है, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट.